जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो स्पेशल टेस्ट सीरीज का बुक है, आज किस वीडियो में इस बुक से इतिहास के 60 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताइए। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा जेपी जोशी ये संबंधित नहीं है, बाकी अमलानंद घोष, बीके थापर, बीबी लाल ये सभी संबंधित है। अब चलिए कालीबंगन की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो साथियों कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों स्पेशल बिहार पुलिस सिपाही के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज आया हुआ है तो उसे भी आप सभी डेली लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, वाजपति न्यायाधिकारी, सी ऑप्शन जो है ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि वाजपति जो है ये गोचर भूमि का अधिकारी था, ना कि न्यायाधिकारी। चलिए बाकी सभी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, घनानंद को अग्रमिज कहा गया? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, घनानंद को अग्रमिज किसने कहा? थोड़े से अप लेवल के प्रश्न है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले बार भी मद निषेध सिपाही में बीपीएससी लेवल तक का प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी बिहार पुलिस में कुछ ऐसा ही हो, इसलिए हर तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो घनानंद कौन था? तो ये नंद वंश का शासक था और यह सिकंदर का समकालीन था, और ग्रीक लेखक यूनानी ने इसे क्या कहा था? तो अग्रमिज। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ग्रीकों द्वारा घनानंद को अग्रमिज कहा गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है आर्यभट्ट, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कुडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो साथियों यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, चालुक्य और चोल के बीच में हुआ था कुडल संगमम का युद्ध, और इसमें चोलों की जीत हुई थी। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर हुआ था? चलिए छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे आप सभी, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा ये हुआ था कहाँ पर, तो थट्टा में। थट्टा कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है, तो सही जवाब है सी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दुआब में वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया था? चलिए सात के लिए आंसर बताएंगे, और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, भले ही आपका आंसर गलत हो लेकिन आंसर जरूर करना है, क्योंकि जब आप लोग गलत करेंगे तभी आपको याद होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दुआब में वर्चस्व के लिए युद्ध लड़ा गया था? तो देवराय प्रथम के समय में, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया गया? चलिए आठ के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा।
शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे, आगे आपको आसान प्रश्न भी मिलेंगे, शुरुआत में थोड़े से टफ लेवल के प्रश्न रखे हैं। तो पुस्तक और लेखक, तो सावित्री की बात करें अरविंद घोष सही है, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले ये भी सही है, सोजे वतन प्रेमचंद ये भी सही है, लेकिन तराने हिंद ये अबुल कलाम आजाद ने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में हुआ था। चलिए ये बहुत ही सिंपल है और हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी इस प्रश्न को कराया था। तो देखिए मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, तो इसे भी याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच में है और मैकमोहन रेखा जो है 1914 में, याद रखिएगा, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान किया गया था। शिमला समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन, ठीक है। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और शिमला सम्मेलन की यहाँ बात की जा रही है, तो मैकमोहन रेखा जो है इसका निर्धारण 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान किया गया था और उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है पंजाब के अमृतसर में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे, अगर आपके एग्जाम में टफ लेवल का भी प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था, तो इसका सही जवाब है नीनो डी कुन्हा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न याद रखिएगा, भारत में अगर पूछे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो नोट कर लीजिए अल्बुकर्क। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और इस क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने नेतृत्व किया था कहाँ से, तो सही जवाब है राजस्थान से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे। चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की रचना की। चलिए इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अमार सुनार बांग्ला, ये क्या है, बांग्लादेश का क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है, जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी प्रकार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो अमार सुनार बांग्ला। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बी ऑप्शन सही जवाब है। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। तो देखिए धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राधाकांत देव, इन्होंने ही स्थापित किया था धर्म सभा को। राधाकांत देव ने सती प्रथा को समाप्त करने के विरोध में स्थापित किया था 1830 में, और सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 में किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। चलिए आगे देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से थोड़े से आसान प्रश्न मिलेंगे, चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है, हमारे वेद चार है जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है, इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद के नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है।
चलिए आगे देखें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो लाइव चैट में ज़रूर बताना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सेशन को दिल से ज़रूर लाइक कर दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से, फिर साइंस का भी कवर करेंगे। तो देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिसमें से 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे 23वें पूछा गया है, सही जवाब है सी ऑप्शन। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, उड़े गोलम, इन सभी अभिलेखों में। तो सही जवाब है डी ऑप्शन सभी। आप लोग कमेंट करके बताइए अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ? देखिए महमूद गजनी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था जिसमें से सबसे चर्चित जो आक्रमण है सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है 1025 में किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और इसके बाद अभी 8:30 बजे की क्लास को करना है और रात 9 बजे की क्लास को भी आपको अटेंड करना है। रात 9 बजे की क्लास में किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवीजन होगा और 8:30 बजे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से टेस्ट सीरीज चौथा चलेगा। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा याद रखिएगा। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध होता है 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। सभी युद्ध की जो डेट है उसको ज़रूर ध्यान रखें, डेट भी पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है सो नहीं हो रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो सही जवाब है डिजराइली, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है डिजराइली। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? और देखिए अगर आपने इन सभी प्रश्नों को पहले पढ़ रखा है तो आप सभी लाइव चैट में अपना अपना आंसर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक देंगे बिना देखे, फिर देखना आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपने इतने प्रश्न सही किए हैं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए प्रांजपे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है तो 1946 में ये आया था भारत और इसमें टोटल 3 सदस्य थे। इसके लिए ट्रिक हमने बताया था पास PAS, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से AV अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। और इसमें अध्यक्ष कौन थे तो शुरुआत में देखिए पी है तो पी ही अध्यक्ष होगा यानी पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। तो क्लीमेंट एटली इसके सदस्य नहीं थे। और जिस समय कैबिनेट मिशन आया उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखें आप सभी। आगे देखिए असत्य मिलान का चयन करें, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे इंडियन लीग दिया हुआ है शिशिर कुमार घोष, सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्रसेन, ये भी सही है। तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये भी सही है। बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है, ध्यान रखेंगे।
और ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। तो सभी पॉइंट को आप सभी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, हमने इस वीडियो पर काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ आप सभी एक लाइक ज़रूर करें। तो किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो याद रखिएगा, ली आयोग, जिसकी स्थापना 1924 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। जैसे कि आपका एक प्रश्न सही होता है तो एक लिखिए, दो होता है तो दो लिखिए, इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर सेशन के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आज 60 प्रश्न है, तो सही जवाब है बोकेसियो। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है और समाप्ति 1918 में। तो इसमें था धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी जो है ये धुरी राष्ट्र में शामिल था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप सभी मार्क कर लीजिए और अभी इस प्रश्न को याद कर लीजिए। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद कीजिए, शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, घग्गर। इसलिए आपसे बोलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुने, और आपका साथ में रिवीजन भी होगा, आप भूलेंगे नहीं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? चलिए साथियों, आंसर कीजिए फटाफट से। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, घोड़ा। क्या है? घोड़ा है प्रतीक चिन्ह। और कमल और सांड, ये किसका है? तो ये जन्म का प्रतीक है। पीपल, ये किसका है? तो ज्ञान का प्रतीक है। और चक्र जो है ये किसका है? तो निर्वाण का प्रतीक है। और मृत्यु का प्रतीक पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्तूप। सभी को ध्यान रखें। चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो ये धारण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी? चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, ऑप्शन सी, विधारण्य। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आध्यात्मिक क्षेत्र में पूछा गया है, तो याद रखिए गुरु रामदास का। और अगर शिवाजी का राजनीतिक गुरु पूछे तो कोंडदेव थे, सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कोचीन में खोला था। कहाँ पर? कोचीन में। और डचों ने पूछे कहाँ पर खोली थी? तो डचों ने खोली थी मसूलीपट्टनम में। दोनों को ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में और डचों ने मसूलीपट्टनम में। सभी को ध्यान रखें। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो ये कब हुआ था? 1823 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे?
देखिए हार गए थे और जीते दोनों को याद रखना है, चुनकर जाने वाले और जो हारे थे। तो हारे थे इसमें कौन, डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कौन थे, तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्ष बने थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। और चुनकर कौन गए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो याद रखिएगा कौन गए थे, तो गए थे कौन, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा एन एम जोशी थे, बी ऑप्शन सही जवाब है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है, तो 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, चलिए साथियों फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। तो प्रथम महिला पूछा गया है कौन हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था, देखिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी सेडोन के युद्ध के बारे में काफ़ी बार बताया है, तो अगर आपको याद हो तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो सेडोन का युद्ध हुआ था कब, तो 1 सितंबर 1870 को। निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था, चलिए आंसर बताएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था, तो इसका सही जवाब है मार्टिन लूथर ने, डायरेक्ट याद रख लें। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए, किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, तो ये है कौन सा, जवालोपनिषद, सी ऑप्शन सही जवाब है। कौन कौन से है आश्रम, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है, तो सही जवाब है मेगास्थनी, याद रखिएगा ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ना कि सिकंदर के साथ आया था, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। महापुराणों की कुल संख्या क्या है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी दिल से एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो पर हमने काफ़ी मेहनत की है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 पुराणों की संख्या है, 108 उपनिषद की संख्या है, 6 वेदांग है, 4 वेद है, सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कृषि विभाग से संबंधित कौन है, तो सही जवाब है दीवान ए कोही, बी ऑप्शन सही है। और इसकी स्थापना किसने किया था दीवान ए कोही का, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए मुस्तखराज की बात करें वित्त विभाग से संबंधित था, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना बलबन ने किया था, और दीवान ए बंदगान ये दास विभाग से संबंधित था। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था, तो ये किसने किया था कृष्णदेव राय ने, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 में, और मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था सादतुल्ला खान ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1990-92 में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड वेलेजली। और इसी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, टीपू सुल्तान को
निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था, यानी निम्न में से किस विद्रोह से संबंध जो है भगत जवाहर मल का था। तो इसका सही जवाब हमने आपको पहले भी बताया था, कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था। 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था, तो साथियों ये किसने किया था याद रखिएगा, लियाकत अली ने। और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से किया था, फैजाबाद से किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से किया था और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, तो ये कहा किसने, तो याद रखिएगा लॉर्ड, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया, तो डेट याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। चलिए आगे देखिए, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं, तो ये जो है किनकी है, तो याद रखिएगा माइकल एंजेलो की है। असत्य कथन का चयन करें, तो देखिए इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जिसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं 1688 में होती है, बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ये भी सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, ये गलत है, क्योंकि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध था ट्यूडर वंश से। यहाँ पे लिख देते हैं ट्यूडर वंश से, ना कि स्टुअर्ट वंश से, तो डी ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखिए, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, किस अभिलेख से मिलती है, तो महास्थान अभिलेख, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, हर्ष किस वंश से संबंधित है, चलिए कलहन की पुस्तक याद रखिएगा राज तरंगनी, क्या है राज तरंगनी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो हर्ष थे ये किस वंश से संबंधित थे, लोहार वंश से, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चोल काल में वेली क्या था, आंसर कीजिए चोल काल में वेली क्या था, तो याद रखिएगा वेली जो है भूमि माप की एक इकाई थी चोल काल में, सी ऑप्शन सही है। बलवन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था, देखिए याद रखिएगा सिजदा प्रथा को किसने लागू किया था, बलवन ने, तो इसका प्रयोजन क्या था, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन देवीय सिद्धांत का समर्थन के लिए, तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा यहाँ पे, देवीय सिद्धांत का समर्थन के लिए। चलिए आगे देखिए, आखिरी प्रश्न है, वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हस्तिनावती, क्या है हस्तिनावती, याद रखिएगा हम्पी को ही हस्तिनावती भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1336 में किया था हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, और विजयनगर साम्राज्य पर चार राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश, सभी को ध्यान रखें। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दें, आगे हम लोग साइंस का या फिर ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करेंगे इसी जीएस एकेडमी, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से।